आदाब नाजरीन, आज हम बनाएंगे ब्रॉड स्वीट हार्ट। देखिए, नाप हमारा वही पुराना होगा, 3 और 6। तो ये हमने 3 पे एक पॉइंट लगाया, स्ट्रेट लाइन आए। इसके लिए हम ये डॉट एक थोड़ा एक बार और नीचे लगा लेंगे। लेंथ जो हम लेंगे वो लेंगे हम 6, और इधर से भी हम एक बार 3 पे डॉट लगाएंगे। देखिए, अब हम इस लाइन को, इन डॉट्स को मिला देंगे। ये देखिए, ये साइज बनाया है हमारा 3 और 6। फ्रेंड्स, आप ना ये नाप लिख लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, ये 6 है और ये 3 इंचेस है। अब बना रहे हैं हम ये ब्रॉड स्वीट हार्ट। तो यही हमारा जो ये 6 है, इस लाइन में से हम ये हाफ में यानी कि 3 पर एक डॉट देंगे, और एक डॉट ये हम यहाँ से ये 3 पर देंगे, और इस पर हम एक ये कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे, यानी कि जिस लाइन को हम कट नहीं करते। ये देखिए, बट इस स्नैक का नाम ब्रॉड स्वीट हार्ट है, यानी कि ये थोड़ा ब्रॉड होके बनेगा। उसके लिए हम 1/2 इंच, ये मैंने इसका ये 1/2 इंच ये मैंने बाहर लिया है। तो ये जो हमारा ये नेक बनेगा, यहां से इसी पर बनेगा और इस डॉट से ये टच होगा। ये देखिए ऐसे, और ये इस वाले सेंटर पॉइंट से, और ये एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं ताकि आप लिख सकें। ये हमने यहाँ से इसका हाफ लिया है, यानी कि ये 6 है तो इसका हमने हाफ लिया है 3 से। जहाँ पर ये हमारा 3 पॉइंट आ रहा है वहाँ से हम 1/2 इंच बाहर लेंगे, ऊपर की ही लाइन से हम इसको इस पॉइंट तक मिलाएंगे, और ये सेंटर पॉइंट को भी हम इस साइड से मिलेंगे। ध्यान रहे, इधर से ये हमारा अनफोल्ड है, इधर से ये हमारा ओपन है, ठीक है। अब हमने जो इसके बाहर यहाँ पर करके लाइन लेनी है वो हमें 1 इंच लेनी है। हम 1 ले सकते हैं, 1 से हम कम भी ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एक डॉट दे दीजिए ताकि हमारी ये जो लाइन आए ये बिल्कुल हमारी स्ट्रेट आए। अब हम माप इस वाली नाई लाइन को लेके नहीं लगा रहे हैं, ये जो हमने बाहर जो हमारा नेक बना है हम उसी को लेके लगा रहे हैं। ये देखिए, ये 1 इंच पे मैं ये डॉट दे रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। अब हम इससे इसको ये इस वाले डॉट से हम इस वाले डॉट को ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और ये वाली जो हमारी ये लाइन है इससे हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए, ये वाले जो हमारी ये डॉट्स है ऐसे, ये देखिए इसको हम इससे ही पूरा टच करेंगे। ये देखिए, ये अब हमारा ये निशान लग चुका है। आइए अब हम इसको कट कर लेते हैं। पहले आप चाहें तो अंदर की लाइन काट लें या बाहर की, जैसा आपको कंफर्ट हो। ये देखिए, चलिए मैं इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बाहर वाली लाइन कट करके दिखा देती हूँ। पहले ये हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, और यहाँ से ये
ये चीज़ आप नोटिस कर रहे हो क्योंकि जो हमारी नेक लाइन है हमारी इस बॉक्स के अंदर से ही ये थोड़ा सा जो ये हमारा ब्रॉड बन रहा है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इसलिए ये ब्रॉड बन रहा है। तो यही हम सेंटर पॉइंट को लेते हुए हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए ये अब हमारा ये ब्रॉड नेक बन गया है, इधर से यहाँ से ब्रॉड हुआ है और ये यहाँ से ब्रॉड हुआ है। ये देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमने ये आधा इंच बाहर एक्स्ट्रा लिया है। ये पॉइंट वही है, ये पॉइंट वही है। तो आइए मैं आपको एक और बता दूं, पेपर का सेम मेथड, इधर से ये ओपन है और इधर से ये बंद है, यानी कि अनफोल्ड है। रूल वही पुराना कि हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से लीजिए ये वही थ्री पर हम डॉट देंगे। ये देखिए ये हम एक थ्री पर ही लगाएंगे इन डॉट्स को। और जो इसकी ये लेंथ होगी ये होगी इसकी 6, यहाँ से लेकर ये आया है हमारा 6 का एक डॉट, हम ये इधर देंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट रहे। ये देखिए, और इसका ये जो हम यहाँ से ये लगाएंगे तो ये यहाँ से करके इसका हम ये हाफ लगाएंगे, ये 3, और इसका भी हम ये हाफ ले लेंगे। तो इसके भी ये निशान ये लगेंगे आधे करके ये 3 में। तो हम इसको वही रूल से कि हम इसको एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे कि यहाँ से ऐसे करके ये हल्के हल्के से ये डॉट्स, ये ऐसे हम ये डॉट्स करके लगा देंगे। अब जो हमने इसको राउंड में जो शेप देनी है, जो हमने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो वो मैंने आपको स्ट्रेट में बताया था। अब देखिए ये मैंने ये ऐसे लाइन कर दी, ये हमारा सिंपल स्वीट हार्ट है। हम इसको पूरे को नापेंगे कि ये हमारा कितना है, हमने ये नापा है ये हमारा 4 इंच और 1 पॉइंट है। तो हम ये 2 पॉइंट पर और इसके हाफ पे हम एक डॉट लगाएंगे और ये हम यहाँ से थोड़ा सा मतलब हल्का सा ये आधा इंच मतलब लगभग, ये देखिए ये हम जो ये आधा इंच है हम इसके ये आधा इंच बाहर लेंगे और जो हम शेप देंगे वो इस राउंड को हम ऐसे लेकर जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। फिर वही कि 1 इंच की हम यहाँ पर जो ले रहे हैं ये 1 इंच की ले रहे हैं, आप 1 से कम भी ले सकते हैं बट ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये पट्टी ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए अभी जो हम निशान लगाएंगे ये हम ये जो हमने अंदर का राउंड दिया है उसी से लगाएंगे। ये एंड देन ये 1, तो ये हमारी ये जो लाइन आएगी ये हमारी यहाँ से ऐसे आएगी और ये लाइन हमारी फिर यहाँ से बन जाएगी। इस शेप में आएगी। आइए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे कट करेंगे हम। पहले हम इसको ये शेप हमने करके वो दी है, चाहे तो आप इसको भी राउंड शेप में हल्का हल्का सा दे सकते हैं, बट ये अगर स्ट्रेट भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये हम लेंगे, इस पॉइंट तक, और फिर ये हम ले लेंगे यहाँ पर। अभी हम बाहर से काटते हैं इसका ही। ये देखिए आजी
दो नेकलाइन मैं आपको बताई है, ये ब्रॉड स्वीट हार्ट है और ये राउंड स्वीट हार्ट है। आप इनके नाम भी प्लीज़ लिख लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। ये शेप हम चाहें तो इसको राउंड में भी दे सकते हैं, चाहें तो हम आप इसको स्ट्रेट में भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।